और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कह कर के हम ये कह कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह कह के हम दिल को बहला रहे हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जब राष्ट्रपति जी का भाषण हो रहा था, कुछ लोग कन्नी भी काट गए और एक बड़े नेता महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान भी कर चुके हैं। जनजातीय समुदाय के प्रति प्लीज आपको नफरत भी दिखाई दी है, प्लीज। और हमारे जनजातीय समाज के प्रति उनकी सोच क्या है? देखिए, सदन सदन के तरीके से चलेगा। आप लोग बोले थे, सबने सुना था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। नो, गलत। लेकिन जब इस प्रकार की बातें टीवी के सामने कही गई, तो भीतर पड़ा हुआ जो नफरत का भाव था, जो सच, वो बाहर आके ही रह गया। ये खुशी है, ठीक है, बाद में चिट्ठी लिख करके बचने की कोशिश तो की गई है। माने अध्यक्ष जी, जब राष्ट्रपति जी के भाषण पे चर्चा मैं सुन रहा था, तो मुझे लगा कि बहुत सी बातों को मौन रह कर भी स्वीकार किया गया है। यानी एक प्रकार से सबके भाषण में देख सुनता था, तब लगा कि राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति किसी को इतराज नहीं है, किसी ने उसकी आलोचना नहीं की। भाषण की हर बात, अब देखिए क्या कहा है राष्ट्रपति जी ने, मैं उन्हीं के शब्द कोट करता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा था, जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर था, वही आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। राष्ट्रपति जी ने यह भी कहा था, जिन मूल सुविधाओं के लिए देश की एक बड़ी आबादी ने दशकों तक इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसे मिली है। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, वह मुक्ति अब देश को मिल रही है। पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा से बाहर आकर आज देश और देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि से लिए गए फैसलों के लिए हो रही है। ये पैराग्राफ जो मैं पढ़ रहा हूं, वो राष्ट्रपति जी के भाषण के पैराग्राफ को मैं कोट कर रहा हूं। और मुझे आशंका थी कि ऐसे ऐसी बातों पर यहां जरूर इतराज करने वाले तो कुछ लोग निकलेंगे, वो विरोध करेंगे, ऐसा कैसे बोल सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन मुझे खुशी है, किसी ने विरोध नहीं किया, सबने स्वीकार किया, सबने स्वीकार किया। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं 140 करोड़ देशवासियों का आभारी हूं कि सबके प्रयास के परिणाम
आज इन सारी बातों को पूरे सदन में स्वीकृति मिली है, इससे बड़ा गौरव का विषय क्या होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, सदन में हंसी मजाक, टीका टिप्पणी, नोकझोंक ये तो होता रहता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज राष्ट्र के रूप में गौरवपूर्ण अवसर हमारे सामने खड़े हैं, गौरव के क्षण हम जी रहे हैं। राष्ट्रपति जी के पूरे भाषण में जो बातें हैं वो 140 करोड़ देशवासियों के सेलिब्रेशन का अवसर है, देश ने सेलिब्रेट किया है। माननीय अध्यक्ष जी, 100 साल में आई हुई ये भयंकर बीमारी, महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति, बटा हुआ विश्व, इस स्थिति में भी, इस संकट के माहौल में भी देश को जिस प्रकार से संभाला गया है, देश जिस प्रकार से संभला है, इससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है, गौरव से भर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चुनौतियों के बिना जीवन नहीं होता है, चुनौतियां तो आती है, लेकिन चुनौतियों से ज्यादा सामर्थ्यवान है 140 करोड़ देशवासियों का जज्बा। 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य चुनौतियों से भी ज्यादा मजबूत है, बड़ा है और सामर्थ्य से भरा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह। डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।